हो गए दो रोज में आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना है यही आए न उनकी याद भी, आए न उनकी याद भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है गुनाह जो मैंने किए और इसके लेखक हैं पवन जैन। आइए सुनते हैं गुनाह जो मैंने किए की दूसरी कहानी, तुम वो नहीं हो। वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी कि उसे अप्सरा कहा जाए या किसी फिल्मी हीरोइन से उसकी तुलना की जाए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ जरूर था जो उसे आकर्षित बनाता था। उसमें कुछ ऐसा बिंदासपन, बेपरवाही, उसके होठों पर उसकी चीर मुस्कान, उसका इठलाकर चलना, उसकी नाक के बाई ओर बहनी छोटी सी नथ, उसके माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी, उसके सामीप्य की चाह जगाती थी। हां, एक बात थी जिसे देखकर एक फिल्मी नायिका बरस बरस ही आंखों के सामने आ जाती थी, वो उसके छितरे दांत थे जो उसके मुस्कुराने पर या बात करते करते अक्सर नजर आते थे, और उसकी छित्री दंत पंक्ति मुझे मौसमी चटर्जी की याद दिलाती थी। वो मेरे मकान मालिक की बीवी थी, मधु नाम था उसका। मैं परिवार सहित नीचे के हिस्से में रहता था और वो ऊपर अपने परिवार के साथ। उसे बोलने की थोड़ी ज्यादा ही आदत थी, और बोलेगी नहीं तो कोई ना कोई फिल्मी गीत उसके होठों पर रहता था। वो गुनगुनाती नहीं थी होले होले, बल्कि गाती थी पूरे सुर में, जैसे स्टेज पर गा रही हो। उसकी वजह से वो घर कभी सूना सूना या खाली खाली सा नहीं लगता था, और शर्म या झिझक तो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। एक बार मैं अपने लिए लखनऊ से शर्ट का कपड़ा लाया, लखनऊ चिकन का काम था उस पर। शगुन, मेरी पत्नी उसे देख रही थी, वो भी ऊपर से देख रही थी। एकदम से बोल पड़ी, दीदी बेहद खूबसूरत है ना ये, तो अब हम दोनों अपने ब्लाउज बनवा लेंगे। शगुन भी मुस्कुराकर बोली, जरूर मधु, लेकिन अपने भाई साहब से तो पूछ लो। तपाक से बोली वो, ये क्यों मना करेंगे, आप उनकी पत्नी और मैं आपकी छोटी बहन। मुझे उसका ये बेबाकपन और खुल के बात करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रात में शगुन मुझसे बोली, एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा, क्या? ये जो मधु है ना, आपके सामने ही ज्यादा शोर मचाती है, पीछे इसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। शगुन से ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या मधु के मन में मुझे लेके कुछ है, क्या वो मुझे चाहने लगी है, क्या वो गाने भी मुझे सुनाने के लिए मेरे लिए गाती है। फिर मैं जो गाने वो अक्सर गाती थी उन्हें सोचने लगा, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। शगुन ने उसकी बात बताकर मेरी नींद उड़ा दी थी। सहसा मेरे मन में ख्याल आया कि मधु यदि चाहती तो शगुन को भाभी जी भी कह सकती थी, लेकिन वो हमेशा उसे दीदी कहती है, यानी उसने मेरे साथ जीजा साली का रिश्ता खुद से ही बना लिया था। गुप्ता जी, मेरे मकान मालिक का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। वो देर से घर लौटते और मैं ऑफिस से शाम को ही घर आ जाता था। चाय पीकर कोई उपन्यास लेकर बैठ जाना यही नियम था रोज का। उसे मेरे आने की भनक पड़ जाती, शायद उसके कान मेरी आहट पर ही लगे रहते। मेरे आने के थोड़ी देर बाद ही उसका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता। फिल्मी गाने मुझे भी बेहद पसंद थे और मधु को मेरी इस आदत का पता था। नए पुराने प्यारे प्यारे सदाबहार नगमे वो गाती थी। वो चाहे अपने किचन में हो, चाहे कुछ काम कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन फुल वॉल्यूम में उसकी आवाज
और एक से एक शानदार गाने, जैसे बिना का गीतमाला चल रही हो। उसकी आवाज दिलकश थी, पर वो अगर थोड़ा अपने गले के सुर को धीमा करके गाती तो और भी मधुर और कर्णप्रिय लगते। लेकिन उसे तो मुझे सुनाने थे, मेरा ध्यान भटका कर अपनी तरफ केंद्रित करना था, और अपने इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गई थी। मैं भी नॉवेल को एक तरफ रखकर पूरा मगन होकर सुनता था। बहुत मूडी थी वो, कब क्या करेगी कुछ नहीं पता। उसकी एक ननंद थी छोटी सी, यही कोई 10-11 साल की रही होगी। कभी कभी उसके साथ नीचे आ जाती थी, नीचे आंगन था, वहां नीतू उसकी ननंद के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर देती। बस तभी उसके गाने रुकते थे, या फिर गुप्ता जी के घर आने के बाद। सच में मधु बहुत बिंदास थी, बिना किसी शर्म या संकोच के जो मन में आता वो करती। पूरे घर में उसका साम्राज्य जो था, सबसे बड़ी बहू थी, उसके सारे देवर उसके इशारे पे ही चलते। बिल्कुल गृह स्वामिनी की तरह सब पर अपना रोब गाठे रखती। एक दिन ऑफिस से आने के बाद शगुन ने मुझे बाजार से कुछ लाने के लिए बोला। मेरी बेटी, जिसे सब गुड़िया कहते थे, बाहर खेल रही थी। मुझे देखकर वो भी साथ चलने के लिए जिद करने लगी। उसने छोटे छोटे सैंडल पहने हुए थे, मैं उसके सैंडल का फीता बांधने लगा, लेकिन मुझसे बंद नहीं रहे थे। वो बैडमिंटन खेल रही थी, एकदम आ गई, मैं बांध देती हूं। वो नीचे झुककर फीता बांधने लगी, इतने में उसकी साड़ी का पल्लू खिसक गया और मैं देखता ही रह गया। उसका भरपूर यौवन, ब्लाउज के भीतर मचलते उसके उन्नत वक्ष स्थल, चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल इत्मीनान से फीते बांधने में मस्त थी। बेफिक्र, बेपरवाह, बेझिझक, जैसे उसे कुछ एहसास ना हो, ना अपनी साड़ी का, ना मेरी नजरों का। 2-3 मिनट के उस अल्प अंतराल में जैसे मुझे किसी अद्भुत अकल्पनीय नजारे के दर्शन हो गए थे। मैं गुड़िया को लेकर बाजार चला गया, लेकिन वो दृश्य जो अनायास ही मुझे उपलब्ध हो गया था, मेरी नजरों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। फिर मैं मधु की हर बात नोट करने लगा, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था, उसकी अदाएं लुभाने वाली थी। वो मेरा ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगी रहती। ये मेरी गलतफहमी थी या सच्चाई थी इसका पता नहीं, लेकिन मेरा दिल तो यही कहता था। बाथरूम में दरवाजा नहीं था, शगुन नहाती तो पर्दा डाल लेती, लेकिन मैं बिना पर्दे के ही नहाता था। उस वक्त ऐसा ही था, पुरुष लोग कहीं भी नहा लिया करते थे, गली में लगे म्यूनिसिपालिटी के नल के नीचे भी। एक दिन क्या हुआ कि नहाते नहाते मेरी नजर ऊपर उठ गई, देखा तो मधु अपने कमरे की खिड़की पे रखे आईने में देखकर अपने बाल सवार रही थी और गा रही थी। आज पहली बार उसे इस तरह देखा था, सोचा कहीं जानबूझकर तो वो ऐसा नहीं कर रही। मेरा मन एक अजीब उन्माद से भर गया। अगले दिन भी ऐसा ही था, मेरा नहाना और उसका अपनी जुल्फे सवारना। मैंने सोचा कि शायद ये उसका डेली रूटीन होगा, लेकिन मुझे तो गलतफहमी में जीना भाने लगा था। और मैं यही सोचता कि मुझे नहाते देखने की खातिर वो ऐसा करती थी। हर इंसान में एक शैतान छुपा होता है, ये मैंने भी सुना हुआ था। मेरे भीतर का इंसान कह रहा था कि मुझे बाथरूम में पर्दा लगाकर नहाना चाहिए, लेकिन शैतान मन की मर्जी, वो कह रहा था कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, वो देखती है देखने दो, तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना। और मेरे अंदर के शैतान की जीत हुई।
और मेरा नहाना वैसे ही खुले में बददस्तूर जारी रहा। मेरे और मधु के बीच ये लुका छुपी यूं ही चलती रही। फिर एक दिन शगुन के घर से चिट्ठी आई। उसका भाई उसे लेने आ रहा था। उसकी छोटी बहन की शादी थी। शगुन बच्चों को लेकर एक सप्ताह के लिए जाने वाली थी। उसके पीछे मैं कैसे रहूंगा, मेरे खाने पीने को लेकर वो परेशान थी। लेकिन जैसे ही मधु को यह पता चला, झट से बोली, बिल्कुल फिक्र ना करो इनकी, हम किस लिए हैं, तुमसे भी ज्यादा ख्याल करेंगे इनका, तुम बेफिक्र होकर जाओ दीदी। शगुन मेरी और मधु की लुक्का छुपी से अनजान नहीं थी। शगुन एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी और उस समय के हिसाब से थोड़ा ब्रॉड माइंडेड भी थी। रात में मुझसे बोली, लो जी आपके तो अब बस मजे आ गए, ऐशी ऐश रहेगी अब तो, मेरी कमी बिल्कुल नहीं खलने देगी मधु। शगुन की बात सुनकर मैं थोड़ा जेब सा गया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मना कर दो उसे, मैं होटल में खा लूंगा। शगुन ने मेरी तरफ करवट ली, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या सच्ची मेरे भोले भंडारी, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। मुझे कुछ जवाब देते न बना। सच्ची तो कह रही थी शगुन, मन तो आने वाले दिनों को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगा था। खैर, संडे को अमित शगुन का भाई आया। शगुन बच्चों को लेकर उसके साथ चली गई। शगुन के जाने के बाद मैं यूं ही अनमनासा सोचता रहा। उसके और बच्चों के बिना घर में मन नहीं लग रहा था। घर बिल्कुल खाली खाली सा, सूना सूना। कहते हैं ना, मकान कोई भी बना लेता है, लेकिन मकान को घर सिर्फ एक स्त्री ही बना सकती है। इसलिए स्त्री को गृह लक्ष्मी कहते हैं। वो होती है तो घर स्वर्ग से भी सुंदर, और ना हो तो कंक्रीट का जंगल। मेरी तंद्रा को तोड़ा चूड़ियों की खनखनाहट ने। हाँ, वो मधु ही थी, बिल्कुल मेरे सामने। दीदी की याद आ रही है ना, मैं उसे देखता रह गया। उसे खुद के इतना नजदीक पाकर मैं थोड़ा परेशान था। वो मेरे सामने एक स्टूल पर ही बैठ गई। मेरा कभी उससे यूं आमना सामना नहीं हुआ था। पूरे घर में सन्नाटा, सिर्फ वो और मैं। मैं कैसे रिएक्ट करूं, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। वो मेरी दुविधा समझ गई थी। परेशान मत हो आप, बिल्कुल भी ना डरो, आपको यूं अकेला देखकर खा थोड़ी ना जाऊंगी। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि साहब जी डिनर कितनी बजे करेंगे, यहीं पे लाना होगा या ऊपर आने की तकलीफ करेंगे। वो धारा प्रवाह बोलती जा रही थी और मैं एक टक मंत्रमुग्ध सा उसे निहार रहा था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। कैसे भी खुद को संयंत करना था। किया, आपकी मर्जी, मेरी आवाज में कंपन था। ये आप क्या लगा रखी है, छोटी हूं आपसे और रिश्ते में साली भी, वो उल्हाने स्वर में बोली। उसकी यही बड़बड़ाहट बरकरार रहती यदि उसे ऊपर से आवाज न लगी होती। जाते जाते कहकर गई, बिल्कुल 9:30 बजे यहीं पे डिनर लेकर मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी, तैयार रहिएगा। हे भगवान, कितना बोलती थी वो, वाणी को बिना कोई विराम दिए। उस रात क्या होने वाला था, तरह तरह की सोच मेरे दिल और दिमाग को झकझोरने लगी थी। उसकी बातों के अर्थ पर अर्थ निकालने लगा। खुद हाजिर हो जाऊंगी, रेडी रहिएगा, क्या मतलब था उसका ऐसी बातों से।